तो बच्चों अगले रेडियो के बारे में इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दूसरा पैराग्राफ मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में और अंतिम पैराग्राफ के बारे में भी बताऊँगा। इसके आगे है द परफेक्ट नेचर आर एंड आर परफेक्ट बाई एक्सपीरियंस फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट that need pruning by study and studies themselves do give forth directions too much at large except they be bounded by the experience craftily men concerned studies simple men admire them and wise men use them for they teach not their own use but that is a wisdom without them and above them won by observation read not to contradict and confute or to believe and take for granted nor to find talk and discourse but to wait and consider some books are to the tested others to the shallow and some few to the chewed and digested that is some books are to be read only in part other to be read but not curiously and some few to the read only and with diligence and alteration some books also may by read to deftly and exact made of them by others but that would be only in the less important arguments and the main sort of books also distilled books are like common distilled water classy things reading makes a full man confidence a ready man and writing an exact man ab main iske हिंदी अनुवाद के बारे में ट्रांसलेट हिंदी में करना चाहता हूँ। अब हिंदी वेरिजन तो विरोध करने या मतभेद करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए और न ही पूर्ण रूप से पुस्तक की बातों पर विश्वास करना चाहिए तथा उन्हें पूर्ण सत्य नहीं मान लेना चाहिए न ही उनके विषय में वाद विवाद के लिए तर्क ढूंढने चाहिए बल्कि उन्हें सही ढंग से माप कर उनकी वास्तविकता को परखना चाहिए। कुछ पुस्तकें आंशिक रूप से पढ़े जाने के लिए होती हैं कुछ को शीघ्रता से पढ़ा जाना चाहिए और कुछ अन्य पुस्तकें धीरे धीरे पढ़े जाने व विचार किए जाने के लिए होती हैं अर्थात कुछ पुस्तकों को केवल आंशिक ढंग से पढ़ा जाना चाहिए कुछ दूसरी पुस्तकों को पूर्ण पर जिज्ञासा से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और कुछ पुस्तकें सारी और बड़े परिश्रम व सावधानी से पढ़ी जानी चाहिए कुछ पुस्तकों को किसी सेवक से भी पढ़वाया जा सकता है और उनमें सारांश किसी दूसरे व्यक्ति से बनवाए जा सकते हैं लेकिन यह सब कम महत्व वाले तर्कों और दूसरी जो छोटी प्रकार कुछ प्रकार की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के लिए ही होना चाहिए अन्यथा जो आश्रित पुस्तकें हैं अर्थात जिनके सारांश दूसरों के लिए तैयार किए गए हैं आश्रित जल के समान है अर्थात स्वाद रहित व निरर्थक होती है पढ़ने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और बातचीत से व्यक्ति तर्कपूर्ण हो जाता है और लेखन से व्यक्ति आंकड़ों के विस्तृत ज्ञान के प्रति सत्य है यहाँ निपुण हो जाता है और इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति लिखने का आदि नहीं है तो उसकी स्मरण शक्ति तेज और बड़ी
विशाल होने चाहिए, और यदि वह पढ़ता नहीं है तो उसे बहुत चालाक होने की आवश्यकता है, और इस सीमा तक कि वह यह प्रदर्शित कर सकता है कि वह अज्ञानी नहीं है। इसके बाद में मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर विचार विमर्श करूंगा। एक्सप्लेनेशन, द राइटर सेज दैट द सेवरल कंडीशन एंड सेवरल पॉइंट्स, द परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट नेचर टू योर प्रोवाइड, द नेचुरल एबिलिटी लाइक टू नेचुरल प्लान, एंड आफ्टर दैट द नीडेड कंडीशन टू स्टडी एंड स्टडी टू देमसेल्व्स एंड ग्रोथ टू डायरेक्शन, मच डायरेक्शन टू लर्न, एक्सपेक्ट योर फाउंडेशन बाई द एक्सपीरियंस, एंड द मैन कंटेमेंट स्टडीज एंड सिंपल मैन टू एडमायर, दैट वाइज मैन टू यूज एंड आफ्टर दैट दे कैन टीच टू करेक्ट डायरेक्शन एंड गेट द विजडम टू विद आउट ईच अदर एंड एबव दैम टू गोन बाई द ऑब्जर्वेशन, रीड नोट टू कंफ्लिक्ट एंड कंप्यूट आफ्टर दैट द बिलीव एंड ग्रांटेड टू योर डिस्कर्सिस एंड कंसिडर आफ्टर दैट द सिमिलियरिटी टू योर प्रोवाइड एंड सिमिलियर प्रोग्रेस एंड सिमिलर एडजस्टिंग कंडीशन टू योर प्रोवाइड। सो दिस इज द वेरी सिमिलियर प्रोग्राम एंड कंडीशनिंग पॉइंट। सो that in the writer to your provide and get knowledge and time to time background. So this is the explanation of the second paragraph and the midpoint and last paragraph. In the next video, welcome to next video and welcome this channel. Thank you.